अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम रिव्यूज लेके आए कैनन के बिल्टी नवन का, जिसका जो मॉडल है 719 है, 65 लीटर साइज में ही आता है और ब्लैक कलर में आता है, इलेक्ट्रिक में है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही प्रोडक्ट की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी टॉप की। इसके टॉप पे हमें तीन नॉब मिल जाती है। इसके जो फ्रंट वाली नॉब है व्यूअर, वो उसकी टाइमर की है, जिसमें 10 से 120 तक का हमें टाइम मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम है। इसके अलावा जो उसके सेकंड वाली नॉब है, वो उसकी फीचर की है, इसमें हमें 7 फीचर मिल जाती हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो उसके थर्ड वाली नॉब है व्यूअर, उसकी थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट की है, और इसमें हमें जो थर्मोस्टेट का टेम्परेचर है वो 50 से इसका भी जो टेम्परेचर है 50 से 225 है मैक्सिमम, जो कि काफी अच्छा टेम्परेचर है। बात कर इसका जो इनसाइड है व्यूअर, आप देख सकते हैं काफी अच्छा साइज है, 65 लीटर साइज में ही आता है। इसकी टॉप की बात कर लें तो उसके टॉप में इलेक्ट्रिक एलिमेंट मिल जाते हैं, काफी अच्छे इसमें हमें वॉट्स मिल जाते हैं, 900 वॉट में ये बेकिंग करेगा। और इसका जो व्यूअर लाइट है, इसमें हमें मिल जाती है वो 25 वॉट की है। इसके अलावा कुछ बिल्ट इन एक्सेसरीज मिल जाती हैं, ट्रे जिसको आप बड़ी आसानी से ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी ग्लास की बात कर लें व्यूअर, तो इसमें हमें डबल ग्लास मिल जाता है, आप देख सकते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि ओवन चलते हुए जो बाहर वाला जो ग्लास है वो हीटअप नहीं होता। इसके टॉप पर हमें तामचीनी की कोटिंग मिल जाती है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हमें, आप देख सकते हैं, अलमोनियम का हैंडल मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिप करता है। इसकी कलर की बात कर लें तो इसमें ब्लैक कलर आता है, 65 लीटर ये साइज में आता है। अब बात कर लेते हैं इसकी फीचर की व्यूअर, आप देख सकते हैं इसकी जो सेंटर वाली नॉब है उसकी फीचर की है। इसका आप यहाँ पर मूव करेंगे तो उसका जो अंदर वाली लाइट है वो ऑन होगी, और यहाँ मूव करेंगे तो ऊपर और नीचे वाला जो रॉड है वो ऑन होगा। इसके अलावा आप बिल्कुल इसे बॉटम पे कर देते हैं तो उसके नीचे वाला इलेक्ट्रिक एलिमेंट है वो ऑन होगा। इसके अलावा आप इसे यहाँ मूव करेंगे तो उसके ऊपर वाला जो रॉड है वो ऑन होगा, जबकि इसके सबसे टॉप पे हमें इसका फैन का ऑप्शन मिल जाता है। कन्वेंशन में आता है ये वाला मॉडल और 65 लीटर साइज में आता है। इसके बॉटम पे हमें एक टैग मिल जाता है, जिसमें इसका मॉडल नंबर लिखा है BOV719। इसके अलावा 2000 वॉट में ही आता है, और इसके अलावा इसकी डायमेंशन लिखी है, जो कि 24x24 है। बिल्कुल टॉप पे हमें एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, और इसके अलावा राइट साइड पे भी इसकी एग्जॉस्ट का हमें मिल जाता है, आप देख सकते हैं, और 65 लीटर साइज में ही आता है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 58,700 है, और इसकी वारंटी की बात कर लें तो वो 2 ईयर है। इसके अलावा 65 लीटर में एक और साइज आता है, जिसका जो मॉडल नंबर है B519 है, ये वाला जो साइज है 65 लीटर में है। इसमें जो अच्छी बात है, ये आपको मैनुअल प्लस टच में मिल जाता है, और ये आपको कोई भी जो टेम्परेचर जो आप इनसाइड रखेंगे वो आपको आउटसाइड शो भी कराएगा। इसमें काफ़ी बड़ी LED मिल जाती है। इसकी बॉडी की बात करें तो उसके सेंटर वाला जो पॉइंट आप देख सकते हैं वो ब्लैक कलर में, जबकि उसके जो बॉर्डर हैं वो मेटालिक सिल्वर कलर में हमें मिल जाते हैं, स्टेनलेस स्टील की लुक में। इसकी जो फ्रंट वाली नॉब है वो हमें, इस नॉब को आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो उसके जो गैस का टेम्परेचर है वो आप बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि 160 से लेके 250 टेम्परेचर हमें मिल जाता है। इसके अलावा आप इसे राइट साइड पे करेंगे तो उसको आप ऊपर वाले जो रॉड है वो चला सकते हैं, जो कि 2000 वॉट में आता है, और आप इसको बिल्कुल बॉटम पे करेंगे तो आप ये वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको मिल जाती है गैस की ऑप्शन। इसके अलावा इसमें आप बड़ी आसानी से इसको टच करके आप जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी थर्ड नॉब की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं। इसको आप यहाँ करेंगे तो इसका फैन और इलेक्ट्रिक जो है वो वाला रॉड ऑन हो जाएगा, जबकि आप इसे बिल्कुल नीचे करेंगे तो इसका जो फैन है वो ऑन हो जाएगा, और अगर आप इसे यहाँ पर करते हैं तो इसके ऊपर वाला जो बल्ब है, लाइट है, जो कि 25 वॉट में आती है, वो ऑन हो जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी इनसाइड की। इसके बॉटम वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला ये हमें गैस का मिल जाता है, जबकि इसका जो टॉप वाला हिस्सा है व्यूअर वो हमें इलेक्ट्रिक में मिल जाता है, जो कि 2000 वॉट में आता है। इसमें हमें काफ़ी बड़ा फैन मिल जाता है, जो कि कन्वेंशन में आता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमें ट्रे मिल जाती है, जिसको आप पेंड ऑन कर सकते हैं। इसकी बॉटम वाली जो ट्रे है वो हमें तामचीनी कोटिंग में मिल जाती है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी अच्छा ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है। इसका जो ग्लास है वो डबल है, इनसाइड और आउटसाइड। इसमें हमें 2 ग्लास मिल जाते हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, जिससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो ग्लास है बाहर वाला वो हीटअप नहीं होता। इसके अलावा काफ़ी बड़ा लार्ज हैंडल मिल जाता है अल्मोनियम में, और ब्लैक कलर में ये साइज आता है, आप देख सकते हैं। इसकी एग्जॉस्ट की बात करने भी तो आप देख सकते हैं इसके जो एग्जॉस्ट है वो यहाँ से आउट होंगे, और इसके अलावा राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये इसके एग्जॉस्ट का है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये वाला जो इसका हिस्सा है इसके एग्जॉस्ट का है। बिल्ट इन आप कोई भी इलेक्ट्रिक ओवन लेते हैं या डूल में लेते हैं, उसका जो एग्जॉस्ट होता है वो आपको टॉप पर मिलता है इसकी डोर वाली साइड पर। इसके अलावा व्यूअर इसकी जो टच पैनल LED आती है आप देख सकते हैं, इसमें आप बड़ी आसानी से जो टाइम है वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी हीट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें आप टाइम जो है वो लगा सकते हैं, जिससे ये ऑटो ऑफ हो जाएगा,
जबकि कोई भी जो मैनुअल नोबा वाला जो इलेक्ट्रिक या बेकिंग ओवन होता है उसमें ऐसा नहीं होता। इसके बिल्कुल बॉटम पर हमें कैनन की ब्रांडिंग मिल जाती है, आप देख सकते हैं। और इसके जो बॉर्डर है वो स्टेनलेस स्टील में आते हैं। काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिक ओवन है, 65 लीटर ये साइज में आता है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। इसकी जो मार्केट में प्राइस है वो 56,000 है और 2 ईयर इसकी वारंटी है, जो कि पूरे पाकिस्तान में आप आसानी क्लेम कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज के साथ ये बिल्ट इन इलेक्ट्रिक प्लस गैस ओवन आपको मिल जाता है, जो कि 65 लीटर साइज में आता है। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही प्रोडक्टिव वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें।